हर घड़ी एक नया इम्तिहान, जिंदगी चाहती है तू क्या, सच बता जिंदगी। ये गाना जब हमने सुना तब मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। ये उस तरह का गाना है जो अमर गाना जिसे कहते हैं कि लिरिक्स हर इंसान की निजी जिंदगी से ये ताल्लुक रखती है। मेरी मुबारकबाद, अब तक जो देखा और सुना वो तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बेस्ट विशेज हैं। अब इसमें नया लड़का नई लड़की हैं, आप इन्हें इनक्रेज कीजिए। जब अच्छी फिल्म को आप इनक्रेज करेंगे तो ही अच्छी फिल्म बनेगी। हम सबसे गलतियाँ होती है, हम सबसे दिल टूटते हैं दो लोगों के, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड अनमिनी जी ने ये कहा कि कुणाल तूने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पर इस तरह का गाना शायद तूने नहीं किया, और सच में मैंने इस तरह का गाना नहीं किया था जो फिलोसॉफिकल हो। यहाँ जैसे देखिए गाने हैं बड़े चैन से और बड़े सुकून से बनाए हुए गाने, और गाए भी गए बड़े इत्मीनान से और बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। कभी कभी ऐसे भी कि तो गाने आने चाहिए ना। इट्स गुड टू सी दैट द डायरेक्टर वाज अ लेडी, वाज वेरी पैशनेट। एंड हमने दो वर्जन किए थे, एक स्लो वर्जन किया था और एक रेगुलर वर्जन किया था, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि ये गाने से मेरा नाम जुड़ा है। अच्छे गाने स्टाइल पे कुर्बान हो गए, फैशन के हिसाब से या फिर आप उसको न्यू एज कहें, पर न्यू एज गाने अगर दिल को ना छुए तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत ही अच्छे हैं जो न्यू एज हैं, कुछ मिसिंग ज़रूर लगता है कभी कभी कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ क्लासिक है, और क्लासिक आजकल पुराना हो गया है। आप संस्कृति को कभी आप नहीं निकाल सकते। अगर हिंदुस्तानी इमोशनल हैं लोग हम, तो हमें इमोशंस आज भी पसंद होंगे, 100 साल के बाद भी पसंद होंगे। तो ये गाने आज भी अपील करेंगे, आज से 200-500 जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी तब तक ऐसे गाने इसी तरह से अगर नहीं बने, और इसमें अगर ढिंचा का आपने बीट अगर डाल दिया तो वो नहीं छुएंगे। जिंदगी एक नया इम्तिहान, जिंदगी ये कहाँ आ गई, ये कहाँ जिंदगी।